प्यारे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन पर। तो गाइज हम बात करेंगे आज के इस कमाल की वीडियो में, नर्सिंग ऑफिसर्स की कुछ पोस्टें हैं उसके बारे में बात की करेंगे, साथ ही साथ रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन इनकी भी पोस्टें हैं बात कर लेंगे। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे गाइज इस वीडियो में कि कौन अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट बात तो यदि आप इंडिया में कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से हो, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। ये वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर मयूरभंज की वैकेंसी है। तो आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 28 मार्च 2020 को रिलीज हुआ है। अब बात करेंगे आपको लास्ट डेट कब रहने वाली, तो गाइज इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2020 इसमें लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले आपको बता दें कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप ये जो मेल आईडी ईमेल दे रखी है cdmobhmbj@gmail.com, इस पर आप 4 अप्रैल तक आप इसमें जो नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट आप इसमें भर के अप्लाई मेल द्वारा कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में, क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। तो एज लिमिट गाइज 21 साल से ऊपर है, आप तो भर सकते हैं इसमें फॉर्म। और अब बात करेंगे स्टाफ नर्स के लिए पोस्टें हैं, 65 पोस्ट है और सैलरी 1000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलने वाला है। ESIC फंड अलग है, COVID-19 इंटेंसिव अलग है, इसीलिए टोटल मिला के आपको 1000 रुपये पर डे मीन्स आपको एक मंथ का 30,000 रुपये सैलरी इसमें मिलने वाली है। आप एलिजिबिलिटी के लिए आप GNM की है आपने या BSc नर्सिंग की है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ द स्टेट या एनी अदर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्यूटी डेली रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय INC, तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए INC से अप्रूव्ड, कहीं से भी हो, चाहे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट से होना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसी स्टेट का हो, ऑल इंडिया इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके साथ साथ वेटेज है आपको दे रखा है इसमें इक्विवेलेंट 20% प्लस एनी स्ट्रीम एक्सक्लूड GNM BA पोस्ट बेसिक नर्सिंग 50%, तो ये आप अप्लाई इसमें कर सकेंगे। लैब टेक्नीशियन की 28 पोस्ट है, सैलरी वही रहने वाली, उसमें भी वही डिप्लोमा इनके लिए। रेडियोग्राफर के लिए 23 पोस्ट और फार्मासिस्ट के लिए जो पोस्ट है रहने वाली है 26 पोस्ट, इसमें भी वही सैलरी रहने वाली है 3,388 और 612 रुपये पर डे सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। और जो MPSW की फीमेल के लिए पोस्ट है, मेल जो उनके लिए भी पोस्ट है MPWS की। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए सबमिट के दौरान, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन की, आपको कॉपी ऑफ एज प्रूफ, आपके एज प्रूफ की कोई ID प्रूफ है आपको वो भेजना है, आइडेंटिटी प्रूफ आपको जो आधार कार्ड पैन कार्ड वो इसमें अपलोड करना है, वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ या फिर डी फार्मा या GNM या BSc नर्सिंग, DMLT, DMRT जो भी आपने जो ऊपर जो कोर्स दिए हैं इनके लिए जो आपने एलिजिबल है वो इसमें आपको करना है, पासवर्ड साइज आपको फोटो भी इसमें अपलोड करना है। ये जो फॉर्मेट दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म ये आप इसमें भरना है आपको, नेम ऑफ द पोस्ट किस पोस्ट में आप भर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ऊपर दे रखा है उसके आपको नंबर लिख के इसमें अप्लाई करना है, डिस्ट्रिक्ट डोमेन सेक्स भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, एज, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये आपको जो क्वालिफिकेशन है इसमें दे रखी है, डिक्लेरेशन भी इसमें आपको अपने फुल साइन करने हैं। तो इसको आप मेल आईडी एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, इस मेल पे आपको अप्लाई करने लेना है cdmobj@gmail.com। आपको 4 अप्रैल से पहले पहले इस जो फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। ये आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल बताई, वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू गाइज़।